हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल इंडियन ब्लॉगर संगीता गोस्वामी में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये जो सुबह की मॉर्निंग रूटीन है तो वो स्टार्ट हो चुकी है, जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन मेरी चल रही है और मैंने अभी आपके साथ में स्टार्ट इस किया है। ये जो ड्रेसिंग टेबल है वहीं से मैंने साफ़ सफाई स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गंदे हो आज एक दो दिन के बाद तो हो ही जाते हैं, बहुत डस्ट हो जाते हैं। तो इस समय मैंने अब इसकी भी अपनी सफाई पर स्टार्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, तो मेरे आज मेरा वो सफाई हो चुका है ड्रेसिंग टेबल की। अभी आ चुकी हूँ दूसरे काम के, स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और मेरा ये काम है जो अब देख ही रहे हैं, सब सोफा वोफा के जो भी साफ सफाई करके फिर उसके बाद लास्ट में मैं झाड़ू और पोछा करूँगी, क्योंकि मेन अब सारा डस्ट जब साफ हो जाता है उसके बाद फिर झाड़ू और पोछा करने में फिर सही रहता है। सुबह से मैंने सारा काम निपटा लिया, जो कि आप लोगों ने देखा अभी, जो भी सुबह का जो डेली रूटीन का काम है थोड़ा बहुत मैंने आपके साथ शेयर की हूँ, ज्यादा नहीं की हूँ। और खाना वाना भी बना लिया मैंने। खाना में मैंने वही चावल फ्राई किया था और दाल बनाया था। मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो रेडी हुई इसलिए हुई हूँ कि मतलब थोड़ी बहुत रेडी हुई हूँ थोड़े टाइम में जाने में। तो अभी हम जा रहे हैं शादी में, और शादी हमारे फ्रेंड्स के दोस्त की, मतलब फ्रेंड्स क्या बोलूं, फ्रेंड्स के लड़की की शादी है, तो उनकी शादी में हम जा रहे हैं, तो जाएंगे। और मेरी चूड़ी है इसी का मैचिंग, जो कि मैंने छठ में सेट किया था इस साड़ी को, इसका मैंने इस मैंने सोचा कि चलो इसी को मैं सेट कर देती हूँ। और ये साड़ी है, ज्यादा ना हेवी, मैंने सोचा कि ना ज्यादा हेवी हो और ना ज्यादा वो हो। इसका ये ब्लाउज है, सिंपल ही पहनूंगी, ज्यादा नहीं पहनूंगी क्योंकि फिर दूसरे के शादी में इतना भी अच्छा नहीं लगता है ना। इसके डिजाइन अच्छा लगते हैं, पीछे मैंने थोड़ा सा डिजाइन दे रखा है। और ये पूरा साड़ी तो ऐसे प्लेन में है, लेकिन इसका जो आंचल जो है वो थोड़ा नेट का है और कुछ नहीं है, बस थोड़ा नेट। इसके चक्कर में मैं इसको नहीं पहनती, ये थोड़ा नेट का आंचल है। और अभी मैं पहनूंगी गले का जो है गला, ये गला गले का मैं ये पहनूंगी, ज्यादा हेवी तो नहीं। इसको भी मैंने छठ में अभी लिया था, तो ये गले का भी ये मैं पहनूंगी, बाकी और कुछ नहीं है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसी गले का एक कान का है, इसको मैंने अभी
पहन रखा है। तो फिर चलिए चलते हैं, और आपसे फिर मिलती हूँ मैं शादी में, अभी थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ तो फिर। ओके हाँ, अभी मैं आई हूँ यहाँ पे शादी में, तैयार होके तो मैं आ गई हूँ, और एक हमारे फ्रेंड्स की शादी है तो वहाँ पे तैयार होके आई हूँ। पता नहीं कितना दही, कोई ज़्यादा तो नहीं हो गया है। चलिए चलते और शादी में आपको मिलाऊँगी, देखती हूँ मतलब कितना मैं वीडियो बना पाती हूँ। ठीक है, चलिए बनाते हैं, ज़्यादा से आगे से खत्म। तो अभी हम यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं, जो कि अंदर अपने गेट बना हुआ था, और मैं यहाँ पे हॉल में जो है, हॉल में सब व्यवस्था था यहाँ पे, तभी हॉल में मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, और बाहर भी पूरा है वहाँ पे, लेकिन थोड़ा मुझे थोड़ा ठंड जैसा लगा, तो यहाँ पे हॉल में ही मैं बैठ गई थी, जो कि यहाँ अंदर बस कुछ ही लोग बैठे हैं, दो चार लोग ही बैठे हुए हैं, इनके जो अपने जिसके मर्जी अपने बैठे हैं, बाहर सब लोग हैं वहाँ पे। तभी मैं भी वहाँ पे अभी चलूँगी, थोड़ी देर में आपको मैं दिखाऊँगी वहाँ पे। और यहाँ पे भी सब फ़ोटो वोटो चल रहा है, आजकल तो सभी के ज़माना है, सब लोग अपनी बस, हाँ देखो मोबाइल स्टार, फ़ोटो वोटो खींचना उचना चालू जाता है। और ये जो जयमाला वाला होने के बाद जो फ़ोटो शूट होगा वो यहाँ भी होगा, इसके लिए यहाँ पर भी स्टेज का व्यवस्था किया गया है, और सब भी है। और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, जो कि बच मेरे को पता नहीं था, बच्चों ने मेरा छोटा सा बना दिया था वीडियो, और यहाँ पे वही बस सभी चल रहा है। तो मेरे साथ, और ये देखिए जो मैंने अभी छोटा सा अपने देखा जाते हुए एक लेडीज को, जिनके बाल बहुत लंबे लंबे थे, तो मुझे ये अच्छा लगा था तो मैंने ये बना लिया था कि देखिए कितने लंबे बाल हैं इनके, बहुत अच्छे लगे थे मेरे को इनका लंबी लंबी चोटियाँ। तो हमारी तो बस नॉर्मल ही है। तो अभी यहाँ पे मैं अभी आ चुकी हूँ, थोड़ी पेट पूजा किया जाए, क्योंकि मैं अंदर थी तो ज़्यादा मैं आई नहीं। जो है थोड़ा सा लेट हो गया था, 10 बजे या शायद 11 बज रहे थे इसके आसपास में शायद हुआ होगा, बारात आया होगा। और अभी यहाँ पे दुल्हन आ चुकी है, जो कि जयमाल के लिए, जयमाला जो होने वाला है। और ये देखिए बहुत प्यारा लगता है ना अपना, फिर वो दिन याद आ जाता है कि कितना अच्छा मतलब अब क्या बताऊँ आप लोगों को, आप लोग ही समझ सकते हैं। और ये देखिए अभी जो अभी जयमाला करने के लिए दुल्हन ऊपर जा रही हैं, और अभी यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो वोटो भी हो रहा है, काफ़ी लंबा भी हो गया था जिसको मैंने थोड़ा छोटा किया, क्योंकि फिर आप यही जो यादगार पल होता है, इस पल को जब हम बाद में देखते हैं तो बहुत अच्छा मतलब देख के याद आता है, अच्छा लगता है। तो फिर उसके लिए तो थोड़ी सी फ़ोटो जो वीडियो बनता है वो तो फिर यही हमारे पास एक यादगार रहता है। और यहाँ देखिए यहाँ पे जो कैमरा मैन है वो बता रहे हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, जो कि भी अभी सीढ़ियों पे चढ़ने से पहले जो करते हैं शूट थोड़ा बहुत जो लेते हैं, तो वही यहाँ पे ये सब चल रहा है। और हम लोगों को थोड़ा वहाँ पे काफ़ी मतलब लेट हो गया था, तो हम लोग थोड़ा घर चले गए। पे जो रियल वहाँ पे चल रहा था, जो भी साउंड आ रहा है उसके साथ वहाँ पे गाने भी चल रहे थे, फिल्मी गाने, तो उसको फिर मैंने वहाँ से रियल साउंड को ही हटा दिया कि सुनते कि वहाँ पे कॉपीराइट आ जाती है, तो भाई कॉपीराइट से
बचना है तो फिर हटाना ही पड़ेगा, है ना। तो फिर ये अब थोड़ा सा, लेकिन हाँ गाने जब चलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और वैसे देखे तो कितना अच्छा लगता है, मैं मुझे मन था कि उसको डालूं गाने के साथ में। इतना प्यारे प्यारे गाने यहाँ पे चल रहे थे इस जयमाला के समय में, तो मन था, लेकिन वही हटाना पड़ा वहां पे मजबूरी में कि भाई हटा दो। तो फिर चलिए एंजॉय कीजिए आप। तो अभी मैं हम लोग आ गई हूँ शादी से, हम लोग आ चुके हैं अभी। और मैंने रात को अब कपड़े उपड़े सब तो चेंज कर ली हूँ, क्योंकि दिन सब चेहरा साफ के लिए मेकअप वकअप उतार लिया, और चेहरा नहीं धोया मैंने क्योंकि अभी रात को बहुत ठंडी लग रही है, तो धोने में ठंडा लगता है। वैसे अभी बज रहे हैं रात के 12 बजे तक हम लोग आ गए थे, तो मैंने चेहरा तो पानी से नहीं धोया, लेकिन मेरे पास एक ये है वाइप्स, बेबी वाइप्स जो बोलते हैं, सॉफ्ट बेबी वाइप्स, इसी से मैंने चेहरा साफ किया है। अच्छा होता है अगर जैसे ठंडी उंडी के दिन हो ना, और अगर आप मन ठंडा पानी छूने में लग रहा हो, ठंडा ठंडा लग रहा हो, तो आप इससे भी साफ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करता है, कहीं आप जा रहे हैं रास्ते वास्ते में जा रहे हैं, ट्रेवल जो कर रहे हैं, तो उस वहाँ भी काम करता है। तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, मैं लेकर आई थी ऐसे लोकल मार्केट से ही लेकर आई थी, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं सोची कि चलो वीडियो को मैंने अभी तक एंड नहीं किया है, तो वीडियो को अब एंड कर देते हैं आज के वीडियो का। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी कीजिए कि बताइए कि मेरी वीडियो आप लोग कैसी लगती है। तब तक के लिए मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।